नमस्कार साथियों, आपका प्रगति मीडिया में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो एक ऐसी गाड़ी के बारे में है जिसने भारत में लॉन्च होते ही भारत में हलचल मचा दिया था। जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम है एमजी हेक्टर। एमजी हेक्टर की बात करें तो लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया और काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड में बुकिंग भी कराई हुई थी और अभी भी काफ़ी लोगों ने इसकी बुकिंग कराई हुई है। एमजी हेक्टर एक ऐसी गाड़ी है जो कि इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से भरी हुई है। उसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और भी बहुत सारे फीचर्स है उसके अंदर, और मैंने खुद देखा है उसको पर्सनली। हमारे एक दोस्त के पास में भी है, उन्होंने भी अभी करीबन 2 महीने पहले ही उन्होंने खरीदी है और काफ़ी भारी गाड़ी भी है। एमजी हेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी व अगर मॉडल की बात करें, इसकी डिज़ाइन की इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। लेकिन हमारे पास में एमजी हेक्टर से संबंधित काफ़ी वीडियो आई हैं जिसमें बताया गया है कि एमजी हेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिससे काफ़ी कस्टमर जो हैं एमजी हेक्टर के जो ओनर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एमजी हेक्टर को ख़रीदने के बाद में उन लोगों की काफ़ी परेशानी बढ़ गई है एमजी हेक्टर को लेके। कभी हमने हमारे पास में जो वीडियो आई हैं, कभी हमने देखा है कि एमजी हेक्टर की जो ब्रेक में उनकी दिक्कत आ गई है, कभी इंजन में दिक्कत आ गई है, कभी कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। नई गाड़ियों में ऐसा कभी कभी हो जाता है, एक दो पीस ऐसे निकल जाते हैं जिनमें ऐसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन एमजी हेक्टर से संबंधित एक वीडियो हमारे पास में और आई है, उसी से संबंधित हमने आज की ये वीडियो आप सभी के सामने देने का प्रयत्न किया है। हम बात कर रहे हैं एमजी हेक्टर, जिसने भारत में आते ही हलचल मचा दिया था, लेकिन अब उसकी खराबियों की वजह से एमजी हेक्टर का नाम पूरे भारत में ख़राब होता जा रहा है। अगर आपने भी एमजी हेक्टर की बुकिंग की हुई है या आपके पास में एमजी हेक्टर है तो आप उसको, आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है, उसको आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे या हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो है विशाल पंचोली की। विशाल पंचोली जो कि उदयपुर के खीरवाड़ा के रहने वाले हैं, उदयपुर के खीरवाड़ा के ये विशाल पंचोली रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले ही एमजी हेक्टर ली थी। ये एमजी हेक्टर जो भारत में लॉन्च हुई है अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई है, तो विशाल पंचोली ने ये एमजी हेक्टर ली थी और उन्होंने काफ़ी खून पसीने की मेहनत से विशाल पंचोली ने एमजी हेक्टर खरीदी थी। तो उनकी जो प्लेट थी, जो इंजन की प्लेट थी, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जब रिपेयर करने गए तो रिपेयर हो गई। उसके बाद में जब उन्होंने 150 से 200 किलोमीटर और चलाई तो धुआं निकलने लग गया। धुआं निकलने के बाद में जब वो एमजी हेक्टर के शोरूम में गए, जब सर्विस सेंटर में गए, तो वहाँ उन्हें बोला गया कि आपकी जो गाड़ी है उसको हम 5 साल की वारंटी और देते हैं, इसका मेंटेन खर्चा आपको कभी नहीं देना पड़ेगा, और उनको टालते रहे। अब एमजी हेक्टर की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, काफ़ी मतलब अगर नॉर्मल मीडियम क्लास की फैमिली से बात करें तो थोड़ी महंगी गाड़ी भी है। करीब 20 लाख से स्टार्टिंग इसकी है जितना मुझे पता है। हमारे दोस्त के पास में है तो उन्होंने भी खरीदी है, तो मुझे पता है इसकी स्टार्टिंग 20 लाख के करीब ऊपर की ही है। तो जब उन्होंने दिखाया तो जो सर्विस सेंटर वाले थे, जो एमजी हेक्टर के, जो उन्होंने उनको टालता रहा, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि जो एमजी हेक्टर के जो विशाल पंचोली जी थे, वो किस तरह से परेशान होकर उन्होंने पब्लिक के सामने किस तरह की डिमांड रखी है और इस गाड़ी को उन्होंने गधे की गाड़ी बताया है, इसको गधा बताया है, खच्चर जो धीरे 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 सामान को ले भी यही बताया है कि इस एमजी हेक्टर जो गाड़ी है इसमें आप सामान भर सकते हैं और गधे की गाड़ी की चाल के हिसाब से आप चला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि एमजी हेक्टर की संबंधित क्या प्रॉब्लम आ रही है, विशाल पंचोली जी का क्या कहना है और उनका एमजी हेक्टर के बारे में उनकी क्या राय है। अब ये इस तरह की आपने जो किया है, गधों को गाड़ी के अंदर बिठाया है और ये बोर्ड लाइन क्या कहना है? एक्चुअली इसमें डेढ़ साल में प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैंने गाड़ी ली थी 2000 किलोमीटर चली थी, उसके अंदर इंजन में से धुआं आ गया था। कंपनी मुझे बोला था कि ट्रैफिक के अंदर आपने सेकंड गियर में चलाई होगी इस वजह से प्रॉब्लम की, बल्कि उस टाइम मैंने सेकंड गियर में नहीं चलाई थी, मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही थी और ट्रैफिक भी ऐसा था नहीं, जिस तरह से मैंने उनको बता रहे थे। जबरदस्ती कंपनी वाले ब्लेम कर दें कि सर आपने मेरे पर जबरदस्ती मतलब एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, आपने सेकंड गियर में चलाई है। बकायदा उस टाइम पे सारे सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं वहाँ पे, तो मेरी गाड़ी सेकंड गियर में नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि कंपनी का टेक्निकल फॉल्ट होगा, तो उस वजह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं गाड़ी लेके आया। जब सेकंड टाइम मैंने गाड़ी 150 किलोमीटर भी रन नहीं की है, वापस ऑन द वे रनिंग गाड़ी के मेरे इंजन में से धुआं निकल गया। मेरी फैमिली बैठी हुई थी,
और डिस्टर्ब हुई, और जब मैंने उनको बताया कंपनी वालों को सेकंड टाइम भी धुआं निकल गया सर, इस तरह से बार बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, 150 किलोमीटर गाड़ी मैंने नहीं चलाई है और कल के कुछ मिस अपनिंग मेरे साथ है, मेरी फैमिली साथ, इसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। तो कंपनी बोलते हैं कि मिस अपनिंग में हम क्या कर सकते, हो सकती है उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा सर इसी गाड़ी रिस्क लेकर चलाने से मतलब क्या है, मेरी जान जोखिम में डल के मैं इसी गाड़ी चलाऊँ और ऐसा पैसा लगाने से मतलब क्या रहा। और कंपनी वाले बार बार मुझे प्रेशर बना रहे, अभी मैंने वहाँ शोरूम से गाड़ी निकाली, कंपनी वालों ने पुलिस वालों को बोला कि हमसे झगड़ा करना है, और बल्कि झगड़ा करनी नहीं है, कंपनी वालों ने उल्टी मुझे धमकाया था कि आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। इसके अंदर गधे जैसे बैठा है, तो सर जब कंपनी बोल रही है कि इंसानों के लिए, जब मैंने बोला कि मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है लाइबिलिटी क्या, तो उसमें हम क्या कर सकते, हो जाए कंपनी वालों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हो सकती है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब ये होगा इंसानों के लिए, जानवरों के लिए गाड़ी है, कंपनी ये कहना चाह रही। ले गाड़ी साइड में रहा हो अर्जेंट थी, बुलंद तेरे भाई को चालो, वीडियो चालो है। ले दिल्ली पे नहीं नहीं अरे रुक जाओ वाला Thank you.